हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ कुछ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ चटाका पटाका चाट की रेसिपी। इसमें हम चटाका पटाका, कुरकुरे और बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम चटाका पटाका चाट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं, यानी कि क्या क्या पैकेट्स हमें यहाँ पर चाहिए हम वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया चटाका पटाका बालाजी का। आप दूसरा चटाका पटाका भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको चटाका पटाका ही लेना है, आप कुरकुरे भी ले सकते हैं। साथ में हमने बालाजी की मसाला मस्ती ले ली है। इसी के साथ में हमने तीखा मीठा मिक्स ले लिया है। तो ये जो तीनों हैं वो हमने लिए हैं 10 रुपीज़ वाले, यानी कि बड़े पैकेट। और अब हम लेंगे छोटे पैकेट्स। तो इसमें हमने लिए है चना दाल, साथ ही में छोटा पैकेट हमने यहाँ पर ले लिया है मसाला पीनट्स हल्दीराम का। आप कोई भी ब्रांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही ब्रांड आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। साथ ही में ले लिया है सींग भुजिया, एंड हम यहाँ पे अब ले लेंगे फराली चेवड़ा। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ले लेंगे हमारा कुरकुरे यानी कि चटाका पटाका, और इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, हल्का सा ही करेंगे। इसी तरह से बिना पैकेट खोले ही पहले हम इसे क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पैकेट खोलने के बाद एक एक को भी टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अंदर ही कर लिया है। साथ में मसाला मस्ती भी लेके इसे इसी तरह से क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करेंगे। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, यानी कि एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे जो थोड़ा डीप हो, ताकि हम अच्छी तरह से हमारी भेल यानी कि चाट को मिक्स कर सकें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डाल देंगे हमारा क्रश किया हुआ चटाका पटाका। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आधे आधे अपने आप ही हो गए, हमने पैकेट में इसको क्रश किया था। तो चलिए धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ हमने डाला फरारी चेवड़ा, अब हम डाल देते हैं चना दाल, सींग भुजिया भी डाल देते हैं, और मसाला पीनट डाल देंगे। गाइज मैं फिर से आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताई है वही ब्रांड आपको यूज़ करनी है। अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले। ये तो अभी से इतना सुंदर दिख रहा है, खाने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं थोड़े इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे हम यहाँ पे। अब डाल देंगे यहाँ पे एक नींबू का रस। नींबू जो है ना वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, इससे जो खट्टापन आता है ना वो इसके टेस्ट को डबल कर देता है। चलिए एक नींबू का रस डाल दिया हमने यहाँ पे। अब हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, और अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्च की चटनी या कोरिएंडर चटनी, और एल्स यू कैन ऑल्सो यूज़ पुदीना की चटनी। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे बड़ा बर्तन इसीलिए ही लिया था ताकि जब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ना, यानी कि जब हम इसे मिक्स करें तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बस आपने देखा कितना इजी है इस चाट को बनाना, सिर्फ आपको थोड़े इंग्रेडिएंट्स बाहर से लाने हैं, एंड उसके बाद ये सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए, ये जो हमारी चटाका पटाका चाट है ना वो बन के एकदम तैयार है। ये कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं। और ये लीजिए, सर्व होके भी तैयार है। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।